नमस्कार साथियों राजस्थान सामान्य ज्ञान के बारे में बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर होने वाले हैं तो शुरू करते हैं राजस्थान में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को राजीव विशेष आवास योजना के तहत तो कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी तो वो दी जाएगी पचपन हज़ार रुपये ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान में पत्थर मार होली के लिए प्रसिद्ध कौन सा ज़िला है तो वो हो जाएगा बाड़मेर ठीक है बाड़मेर का कौन सा एक पर्टिकुलर स्थान है तो वो आप बता सकते हैं राजस्थान में दरिया पंथ का धार्मिक स्थान है तो पंथ जो है उसका धार्मिक स्थान हो जाएगा रेड टोंक में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं राजस्थान में चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग कौन सा है तो वो हो जाएगा चुरु का किला चुरु का किला जो है वो राजस्थान में चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग है राजस्थान में खारे पानी के ज़िले में सागर के अवशेष हैं तो वो हैं टैथित सागर के अवशेष ठीक है खारे पानी के जो भी ज़िले हैं राजस्थान में उनमें तैथित सागर का अवशेष माना जाता है राजस्थान में कुंभ मेले का आयोजन आदिवासी किस महीने में करते हैं तो वो किया जाता है माघ महीने में ठीक है राजस्थान में कुंभ मेले का आयोजन जो है आदिवासी माघ महीने में करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है राजस्थान में किस आदिवासी जाति के लोग मेलों में अपना साथी चुनते हैं तो मेले में साथी चुनते हैं तो वह है सेहरिया जाति ठीक है थीके? सहरिया जो आदिवासी जाति है वो मेले में अपना साथी चुनती है राजस्थान में ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए वल्लभ संप्रदाय के लोग प्रयुक्त करते हैं तो वो प्रयुक्त किया था पुष्टि शब्द का ठीक है राजस्थान में बाला दुर्ग किस जिले में स्थित है तो वो हो जाएगा अलवर में ठीक है बाला जो किला है वो अलवर में स्थित है दो का जो सुपरवाइजर एग्जाम होता है उसमें ये प्रश्न पूछा गया था राजस्थान में हीरे की खान कहाँ स्थित है तो हीरे के जो खान है वो कैसेपुरा में स्थित है राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घकाल तक चलने वाला आंदोलन कौन सा था तो वो था बिजोलिया आंदोलन ठीक है बिजुल आंदोलन जो है वो सर्वाधिक लंबे काल तक चला था राजस्थान में लहरिया एवं पोमचा प्रसिद्ध है तो वो है जयपुर के ठीक है लहरिया और पोमचे जो हैं वो जयपुर के बहुत ही प्रसिद्ध हैं उसके बाद बात करें तो राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर कौन सा है तो वो हो जाएगा किशनगढ़ ठीक है किशनगढ़ जो है वो मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर है राजस्थान में बनास नदी का उद्गम स्थल है तो बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो हो जाएगा खमनौर की पहाड़ियाँ राजस्थान में राजस्थान में दासी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं तो वो हो जाएंगे मीराबाई ठीक है दासी संप्रदाय मीराबाई के द्वारा चलाया गया था नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में टंगस्टन की खाने कहाँ स्थित तो है तो यह है स्थित है डेगाना नागौर में राजस्थान में घौड़ी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे तो घौड़ी जो संप्रदाय था उनके संस्थापक हो जाएंगे घौरांग महाप्रभु राजस्थान में किस स्थान पर दादू दयाल जी का स्मारक बना हुआ है तो वह हो जाएगा नारायणा जयपुर में ठीक है दादू दयाल जी का स्मारक नारायणा जयपुर में बना हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहाँ तक है तो उत्तर में खेतड़ी तक हो जाएगा ठीक है खेतड़ी झुंझुनू तक है अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर दिशा में ठीक है फिर बात करते हैं राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है तो राजस्थान जो है वो पृथ्वी के क्षेत्र में हो जाएगा उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ड में स्थित है राजस्थान के लोक संत के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन क्या है तो वह हो जाएगा तपस्या ठीक है तपस्या करने से संत पिपा के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है ठीक है उनका मोक्ष को मानना है उसके बाद बात करें तो राजस्थान के मरुसलीय प्रदेश झालोर में शादी के समय माली ढोली सरगड़ा एवं भील के लोग थाकना शैली में कौन सा नृत्य करते हैं तो वो किया जाता है ढोल नृत्य ठीक है ढोल को बजाते हैं थक जाते हैं तो इसे याद रख सकते हैं ठीक है आदिवासी जनजातियाँ जो होती है वो थाकना शैली पर ढोल नृत्य करती है फिर बात करें तो राजस्थान के ज़िले बाँसवाड़ा एवं डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को क्या कहा जाता है तो उस भूभाग को मेवल कहा जाता है ठीक है मेवल बांसवाड़ा और डूंगरपुर का भूभाग राजस्थान के किस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है तो वो हो जाएगा श्रीगंगानगर ठीक है और सर्वाधिक तिरछी कहाँ पड़ेगी तो वो आप कमेंट करके बताएं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है तो सिरोही की नहीं करती है राजस्थान के किन जिलों में बौद्ध अनुयायियों का संकेंद्रण अधिक है तो अजमेर जयपुर राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है तो वो लगती है मध्य प्रदेश से लगती है ठीक है सर्वाधिक लंबी सीमा जो है वो मध्य प्रदेश से लगती है उसके बाद बात करें तो राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी तो वो की गई थी ब्यावर में राजस्थान की कला साहित्य एवं संस्कृति में सर्वाधिक योगदान है तो वह है राजपूतों का राजस्थान का सर्वाधिक लू एवं आंधी वाला ज़िला कौन सा है तो वो सर्वाधिक लू और आंधी वाला ज़िला हो जाएगा श्रीगंगानगर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला ज़िला कौन सा है तो वो हो जाएगा जैसलमेर ठीक है यहाँ पर कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है वो बता सकते हैं आप कितने एम एम वर्षा होती है राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है तो वो हो जाएगा पाली जो आठ जिलों से लगती है अब डेटा चेंज हो चुका है तो अपन वो बाद में बात करेंगे राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है तो वो हो जाएगा बडली का शिलालेख ठीक है बड़ली का शिलालेख राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है फिर बात करें तो राजस्थान का गेजेटियर किसे कहा जाता है तो गेजेटियर मारवाड़ा प्रगणारी विगत को राजस्थान का गेजेटियर कहा जाता है राजस्थान का कौन सा जिला प्रस्तर मूर्ति के लिए जाना जाता है तो वो जाएगा जयपुर राजस्थान इतिहास के लिए कौन सा एक निर्णायक युद्ध रहा है तो वो रहा है खानवा का युद्ध ठीक है खानवा का युद्ध है वो एक निर्णायक युद्ध था उसके बाद बात करें तो रणथंभोर का युद्ध किसके मध्य हुआ था तो रणथमपुर का जो युद्ध है वो अलाउद्दीन खिलजी और राणा हमीर के मध्य होता है ठीक है फिर बात करें तो मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है एम एल जो है वो उदयपुर में स्थित है मेवाड़ राज्य की संकटकालीन राजधानी क्या थी तो वो थी चावंड चावंड जो है वो मेवाड़ राज्य की संकटकालीन राजधानी थी मेरी इक्यावन कविताएँ के लेखक कौन है तो वो हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी मीनाकारी की सर्वोत्कृष्ट कृतिया राजस्थान में कहाँ तैयार की जाती है तो वो किया जाती है जयपुर में मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर कौन सा है तो किशनगढ़ हो जाएगा अजमेर किशनगढ़ अजमेर मार्बल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है महाराणा प्रताप का निधन कहाँ हुआ था तो महाराणा प्रताप का जो निधन है वो चावंड में होता है महान भारतीय मरुस्थल फैला हुआ है महान भारतीय मरुस्थल जो है वो पाकिस्तान की सीमा के सहारे कच्छ की खाड़ी से पंजाब तक विस्तृत है फिर बात करें मत्स्य संघ की मत्स्य सिंह को वृहद राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया था तो शंकर राव देव समिति जो थी उसकी सिफारिश पर मिलाया गया था ठीक है फिर बात करें भारतीय कृषि विभाग ने राजस्थान में मिट्टियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया तो वो किया था मिट्टी की उर्वरता के आधार पर भारत छोड़ो आंदोलन का राजस्थान के किस शहर से सूत्रपात हुआ था तो वो होता है जोधपुर से भरतपुर का संबंध किस राजगराने से है तो जाट राजगराने से है भरतपुर का संबंध ठीक है फिर बात करें तो देखिए बैराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं तो वो प्राप्त हुए हैं मौर्यकालीन सभ्यता के बिसलपुर बांध किस नदी पर बना बनाया गया है तो बिसलपुर बांध जो है वो बनास नदी पर बनाया गया है बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा तो वो रहा था राय सिंह ठीक है राय सिंह बीकानेर और अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था बीकानेर का शासक राय सिंह फिर बात करें बाड़मेर में, में स्थित गोलाकार पहाड़ियों को क्या कहा जाता है तो उसे नाकोड़ा पर्वत कहा जाता है बड़ी मात्रा में मालव सिक्के वह आहत मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है तो वह नगर से प्राप्त हुई नगर जो सभ्यता है वहाँ से प्राप्त हुई है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई थी तो वो की जाती है सन 2000 में ठीक है 2000 में ग्राम सड़क योजना प्रधानमंत्री जो है वो शुरू करते हैं पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है पुरावशेषों के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई तो कालीबंगा में की गई थी पायराइट्स राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है तो सलादीपुर सिकर में पायराइट्स पाया जाता है नेक्स्ट बात कर लेते हैं पश्चिमी मरुस्थली भूभाग में, में जनसंख्या का कितना प्रतिशत है तो वो हो जाएगा चालीस प्रतिशत नौगावा के जैन मंदिर कहाँ स्थित है तो नौगावा के जैन मंदिर अलवर में स्थित है नाहवारा के श्रीनाथ जी मंदिर में किस भगवान की प्रतिमा है तो हो जाएगी भगवान श्री कृष्ण की ठीक है तो बारह सौ साठ क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं तो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद जय जाए भारत वंदे मातरम जय श्री राम जय सावरिया सेठ